नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्पर्श। रामनगर में बुधवार की रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी स्थित सुल्तान गेस्ट हाउस में संविदा पर तैनात एक कर्मचारी की सरकारी आवास में बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। विभाग की ओर से घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पौड़ी गढ़वाल निवासी 28 साल का धनपाल सिंह नेगी बुधवार को ही अपने घर से वापस ड्यूटी पर आया था। उसके साथ में काम करने वाले सहयोगी संविदा कर्मी तेजपाल सिंह ने बताया कि जब वो आवास में नहा रहा था तो इस दौरान उसे करंट लगने का आभास हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत धनपाल को आवाज देते हुए कमरे में करंट आने की बात कही और इसी बीच धनपाल कमरे के बाहर लगी एक तार में करंट आने के चलते उससे चिपक गया। आपको बता दें, धनपाल के शोर मचाने के बाद तेजपाल ने भी मौके पर पहुंचकर उसे करंट से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद कर्मचारियों की ओर से मृतक कर्मचारी को रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं आज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद रामनगर पहुंची परिजनों को शव सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपका नाम? तेजपाल। तेजपाल, कल करंट लगाया तो क्या, कैसे करंट लगा और क्या हुआ, किसकी मौत हुई है? मेरे दो भाई हैं, धनपाल सिंह। अब हम दोनों घर से आए थे, घर जाने हम यहाँ बाल उल कटवाए, बाल कटाने। मुझने कहा भाई मैं बाल नहा रहा हूँ, मैंने कहा चल ठीक। नहाने के बाद वो बाहर आया और कपड़े धोके लाया, बाहर जैसे कपड़े लगाए मैं अंदर गया, बोला तू नहा ले। मैंने अपने लोटा पानी डाला, मेरे को हल्का झटका मारा, मैंने एकदम उसका नाम लिया धनु, मेरे का करंट लग रहा है। वो मेरे से पहले वही गिर गया बाहर, जैसे मैं गया वहाँ पे मेरे को फिर वहाँ पे झटका लगा, तब तो उसके हाथ से धुआं से मतलब पकड़ गया तार, तो मैंने डंडे से मार के तब छुड़ाया उसको। उसके बाद अगल बगल वाले लोगों ने साथ दिया मेरा, तो स्टाफ पूरा हमारे स्टाफ ने मेरा सहयोग दिया था। दोनों जने साथ ही जॉब करते थे? हाँ जी। कहाँ पर करते थे? मैं धनगढ़ी पर, इस टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर और वो सुल्तान में है। चलिए, रामनगर में बुधवार की देर रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की धनगढ़ी रेंज में सुल्तान गेस्ट हाउस में संविदा कर्मी एक व्यक्ति की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक और विभाग में हड़कंप मचा हुआ, तो वहीं विभाग के अधिकारियों द्वारा घटना की जानकारी मृतक श्रमिक के परिजनों को दे दी गई है। बताया जाता है कि धनपाल सिंह जो 28 वर्ष का था और मूल रूप से नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था और रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की धनगढ़ी रेंज के स्थित सुल्तान गेस्ट हाउस में संविदा कर्मी के पद पर तैनात था। बताते हैं कि उसका साथी तेजपाल सिंह दोनों ही कल छुट्टी से वापस ड्यूटी पर आए थे और उनका कहना है कि दोनों अपने सरकारी आवास में नहा रहे थे, इसी बीच अचानक विद्युत तार के करंट में वह चिपक गया, जिसको रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया, तो वहीं पुलिस मामले की जानकारी में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की ओर से। आज की खबर में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।